तो जो हमारा ट्रबल शूटिंग मास्टरी कोर्स है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेते हैं होम इंटरनेट ट्रबल शूटिंग के बारे में, है ना। तो बेसिकली ये क्या है, देखो, स्मॉल ऑफिस एंड होम ऑफिस के बारे में अगर आपने ध्यान दिया हो, जब हमने CCNA वगैरह पढ़ा था ना, या बेसिक्स ऑफ आईपी राउटिंग में भी हमने जिक्र किया था कि होम ऑफिस नेटवर्क होते हैं एंड स्मॉल ऑफिस नेटवर्क होते हैं। तो ये काइंड ऑफ सिमिलर है अगर ऑफिस का स्केल छोटा है। कोई लोग, जैसे मैं अपने खुद की बात करूं, तो मैं घर से काम कर रहा हूँ ना, तो मेरा वर्क फ्रॉम होम है सारा। तो मैंने जो घर पे एक छोटा सा इंटरनेट का सेटअप किया हुआ है, उसको मैं बोल देता हूँ कि होम ऑफिस है। मान लो कि अगर मैं अब अपना एक ऑफिस बना लूँ, इन द सेंस कि मैं 5-7 लोगों को रख लूँ, 8-10 लोगों की मेरी टीम हो जाए, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, स्मॉल ऑफिस। तो इनकी जो ट्रबल शूटिंग की टेक्निक्स रहेंगी, काइंड ऑफ सिमिलर रहेंगी, बट इसमें स्केल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपके नॉर्मल होम इंटरनेट से। तो इतना फर्क होगा, और ये वीडियो बहुत ओवरली लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैंने क्या किया है, इसको अलग वीडियो में कवर करेंगे हम, और जो स्मॉल ऑफिस वाली है उसको अलग वीडियो में कवर करेंगे। यही एक रीजन है, अदरवाइज मैं इस पूरे कंटेंट को मिक्सअप भी कर सकता था। तो कुछ चीजें रहेंगी जो हम दोनों में ही डिस्कस करेंगे, तो एक तरह से हमारे लिए अच्छा है कि हम यू नो काइंड ऑफ रिविजन भी हो जाएगी वो। बट यस, विल स्टार्ट विद द होम इंटरनेट ट्रबल शूटिंग। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट दैट, ठीक है। सो तीन प्रॉब्लम्स हैं जो मेजर प्रॉब्लम्स, अगर हम होम इंटरनेट की बात करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो एक दिख रहा है कि रेगुलर नेटवर्क कनेक्शन फेलियर। इसका सिंपली मतलब कि क्या है कि आपका इंटरनेट चल ही नहीं रहा है। इंटरनेट नहीं चल रहा है मीन्स कि अगर आप अपना अडप्टर देखोगे, वाईफाई या वायर्ड वाला, उस पर क्रॉस का, रेड क्रॉस का साइन आया मिलेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेक करो, ये दिख रहा होगा, अभी तो मेरा क्या दिख रहा है इसमें, वाईफाई, ठीक है, जियो फाइबर मानव 5G के नाम से दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इस कनेक्शन फेलियर की बात करूं, तो मेरे को आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, रेड। मतलब कि सिंपली यहां से आप समझ जाओगे, जनरल जो फेलियर होता है वो केबल का फेलियर होता है। मैं आपको एक थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ यहाँ से बेसिकली, फिर हम आगे PDF के बेसिस पे हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आगे नो इंटरनेट एक्सेस है, मतलब कि यहाँ पे केबल का इशू नहीं है, आपको रेड नहीं दिखेगा, मे बी आपको येलो साइन दिखे, तो वहां पे आप समझ जाएंगे कि यार केबलिंग का इश्यू नहीं है। इश्यू हो सकता है राउटर की कोई ऐसी, यू नो मे बी बहुत टाइम से राउटर चल रहा है और सॉफ्टवेयर के बग्स आ जाते हैं, तो मे बी यू नीड टू रीस्टार्ट योर राउटर। तो आप राउटर को रीस्टार्ट करके देख लो, फिर भी नहीं हो रहा है रीस्टार्ट से, आप राउटर को रीसेट करके देख लो। रीसेट का मैं दिखाता हूँ आपको, उस पर एक बटन रहता है अगर आपने कभी देखा हो, या फिर मेरी वाईफाई का जो एक नेटवर्क प्रोजेक्ट है छोटा सा, उसके हमने वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे वाईफाई राउटर को एक्सेस करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, रीसेट करते हैं, पोर्ट फिल्टरिंग, आपकी मैक फिल्टरिंग, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की उसमें, सिक्योरिटी सेटिंग्स के रिगार्डिंग। वो वीडियोज़ आप ज़रूर देख सकते हैं, और मैं इसमें भी लिंक डाल दूंगा उसका, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा अगर आप नए हैं चैनल पे और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो और ये रीसेट करके देख सकते हो। मे बी फिर आपका ब्राउजर का इश्यू यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, तो ब्राउजर को आप री इंस्टॉल वगैरह करके देख लो। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है, इतना बड़ा इशू नहीं रहता है। तो फिर आता है स्लो नेटवर्क कनेक्शन। इसमें आपका भाई देखो, कुकीज बन जाती है, बहुत सारी टेम्प फाइल्स बन जाती है, तो वो आपको क्या करना है, डिलीट करनी है, ठीक है। टेम्प, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम, अबाउट द ब्राउजर इटसेल्फ। तो इस तरह की कुछ सेटिंग्स हैं, हम वो देखेंगे कि भाई होस्ट के एंड पे, या राउटर जो वाईफाई वाला है उसकी DHCP की सेटिंग भी आपकी गड़बड़ हो सकती है नॉर्मली, और कोई कॉन्फिग्रेशन ऐसी आपने गड़बड़ कर रखी हो। मान लो राउटर DHCP सर्वर का काम कर रखा है, IP आपने किसी एक कंप्यूटर पे स्टैटिक दे दी और वो डुप्लीकेट दे दी, या फिर राउटर DHCP सर्वर का काम कर रहा है, उसके पूल में मैं आपको दिखाऊंगा, और शायद हमने पहले भी डिस्कस किया बट हम दोबारा बात कर लेंगे। नॉर्मली 50 IP क्या होती है, अलाउड होती है। बाय मिस्टेक अगर ये 20 हो गया हो, 10 हो गया हो, और यूजर जिससे ज्यादा है, तो उनको IP नहीं मिलेगी DHCP से, तो वो इंटरनेट नहीं चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हमारे हो सकते हैं, छोटे मोटे, हम बात करते हैं सबके बारे में। चलिए, तो सबसे पहला मेरे पास आता है रेगुलर नेटवर्क कनेक्शन फेलियर का। सो स्टार्ट विद द ऑब्वियस फर्स्ट, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले लेयर वन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो केबलिंग चेक करना, हब, जिस भी यू नो आप स्प्लिटर को यूज कर रहे हो, भाई आपका वाईफाई जो राउटर था उससे आगे आपने मल्टीपल डिवाइसेस, क्योंकि देखो राउटर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, अगर ये आपकी फर्स्ट वीडियो है इस यू नो नेटवर्किंग को लेके, आपने CCNA और यू नो बेसिक राउटिंग वगैरह वो वाईफाई वाली वीडियोस नहीं देख रखी, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आइडिया रहे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ।
ऐसा आपका वाईफाई राउटर होता है घर वाला, ठीक है। मैं जूम इन कर देता हूँ थोड़ा, ये देखिए। तो इसके अंदर जो ISP से केबल आएगी, जो इंटरनेट वाले लगा के जाएंगे, वो यहाँ लगा के जाते हैं इंटरनेट वाले पे। और ये आपको पोर्ट कितने मिल रहे हैं? चार। बट मान लो आपके, देखो वाईफाई है ये, यहाँ पे क्या लगा है, एंटीनाज है, वाईफाई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वायरलेस जोड़ रहे हो, मान लो मोबाइल फोन है, तो वायरलेसली जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, करेगा ये यूज। बट इन केस अगर आप वायर्ड इंटरनेट यूज करना चाहते हो और 10 लोग हैं ऐसे जिनको वायर से, बिकॉज स्पीड, सिक्योरिटी, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वायर्ड में आपको मिलती हैं वायरलेस के कंपैरिजन में। चलिए ये तो चार डिवाइसेस तो आप लगा पाओगे, इंटरनेट यूज कर पाओगे वायर से। बट अगर चार से ज्यादा हुए, जैसे मैं 10 की बात कर रहा हूँ, तो उसके केस में आप यहाँ पे, अगर आपको इंटेलिजेंट नेटवर्किंग आगे करवानी है, VLAN वगैरह, तो आप यहाँ पे स्विच लगाओगे, मैनेज्ड स्विच और वो सब। अगर आपको सिर्फ क्या करना है, इंटरनेट चलाना है, इंटरनेट शेयर करना है, तो यहाँ पे एक हब लगा दो आप, और उसके आगे डिवाइसेस लगाओ, 16 पोर्ट, 24 पोर्ट के ये हब लगाओ, मतलब स्प्लिटर बोलते हैं ऐसे इनको, कि भाई नेटवर्क स्प्लिट, इंटरनेट स्प्लिट करा के आपको नीचे देना है जस्ट। तो इनको चेक करने की बात हो रही है कि भाई अपना हार्डवेयर, अपनी केबल चेक करो आप सबसे पहले तो, और उसके बाद की बातें हैं, ठीक है। ये यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि केबलिंग हब स्विच है तो वो, और मे बी राउटर के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, डैमेज्ड हार्डवेयर कॉजेज फेलियर इन द कनेक्टिविटी, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। चेक करो भाई हार्डवेयर वर्किंग फाइन है कि नहीं है, फिजिकल केबल के अंदर डैमेज है कि नहीं है ना, केबल लगी है कि नहीं है प्रॉपरली। तो ये उसी का एक रीजन होता है ज्यादातर, मैंने बताया, बिकॉज राउटर्स आर नॉट सपोज टू बी यू नो फॉल्टी दिस ऑफन, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज योर केबल प्रॉब्लम, ठीक है। केबल कई दफा ऐसा भी देखोगे आप कि जैसे घर की तो ऐसा कम चांसेस है, बट अगर स्मॉल ऑफिस की मैं बात करूं, कई बार मोर देन 100 मीटर केबल हो जाती है, ठीक है। तो खैर ये इशू नहीं आएगा वहां पे, आपको दूसरे इश्यूज आएंगे, बट यस दैट इज वन ऑफ द इश्यूज जो हम आगे बात करेंगे, बट यस केबल कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब ओके आगे बढ़ते हैं, देन देख लो ये इसी के बारे में रहेगा ज्यादातर। ये मैंने स्लाइड्स इसीलिए बनाई है कि यार आपको चीजें समझने में आसान रहे और एक लैंग्वेज थोड़ी सी वैसी हो, ठीक है। प्रॉपर प्लगिंग इन अगर आपकी केबलिंग की नहीं है, तो इट विल बी ऑल द यू नो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज। ओके ये कह रहा है कि आप अपनी लाइटिंग जो है, LEDs हैं आपकी केबल्स की, वो भी चेक कर सकते हो। तो कहता है कि क्या कह रहा है कि नेटवर्क केबल जो है, जो मैंने अभी बताया था ना, इंटरनेट पे लगी हुई है, इंटरनेट वाला जो ब्लू कलर का पोर्ट था और चार आपके येलो कलर के थे, तो ये लैन के पोर्ट होते हैं राउटर पे, वाईफाई राउटर पे, और ये इंटरनेट का वैन जहाँ पे ISP वाले लगा के जाते हैं, ये आप अपने लिए यूज कर दो। तो यहाँ पे जो लाइट जल रही होती है ना, वो LED वो चेक करने की ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर वो कैसी दिख रही है, सॉलिड ग्रीन है उसका कलर देखो, अगर लाइट ग्रीन है तो प्रॉपरली कनेक्टेड है, सिग्नल रिसीव कर रही है। लाइट अगर रेड है, नो लाइट एट ऑल है, तो इसका मतलब केबल नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड, नॉट रिसीविंग एनी सिग्नल। तो चाहे किसी भी मर्जी आपकी RJ45 LED की बात हो, दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन। बट कई बार कलर को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है कि जी जो कुछ वेंडर्स हैं जो राउटर्स बनाते हैं या केबल्स बनाते हैं, उसमें जो आप कलर देखोगे वो स्पीड भी शो करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको देख लेना है कि वो जो कलर आपको है रेड ना दिख रहा हो, या फिर ऐसा हो कि कोई कलर ही ना दिख रहा हो, तो मे भी। और वैसे भी यार एक कॉमन सेंस की बात है, आप केबल का एक आप अपने पास रखो हमेशा, एक एडवाइज होता है कि आप केबल एक्स्ट्रा रखिए अपने पास हमेशा, अगर आप नेटवर्क इंजीनियर हैं तब भी अपने बैग में, और घर पे भी आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली एक दो केबल आपके पास, तो एक बस उसको सिंपली क्या स्वैप करके देख लो, इसकी जगह नई केबल लगा के देख लो, भाई अगर इश्यू आ रहा है मतलब अब चल गया है, तो इसका मतलब क्या है, केबल का इश्यू है, ठीक। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, वैसे ऑलरेडी इसके बारे में काफी बातें हो चुकी हैं हमारी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकंड, हैंग हो गया क्या? ओके सो क्या हो गया इसको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देन अगर आप चेक करेंगे नेक्स्ट हमारा क्या आता है। ओके तो अभी ये क्या कह रहे हैं कि हैविंग लिंक लाइट एट वन साइड ऑफ द लिंक डजंट मीन द लिंक इज वर्किंग फाइन। ओके इसका मतलब क्या हुआ यार, कभी ये PPT फ्रीज हो ही जा रही है, कभी ये एपिक पेन नहीं चल रहा है। चलो एनीवे ये वीडियो पता नहीं पूरी करने देंगे नहीं, या फिर रिस्टार्ट करना पड़ेगा पीसे। हाँ सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट यस। तो नेक्स्ट क्या कहता है कि हैविंग लिंक लाइट एट वन साइड ऑफ द लिंक डजंट मीन द लिंक इज वर्किंग। ओके क्योंकि लेट्स से
आपका ये डिवाइस जुड़ा हुआ है आपके राउटर से, लाइक ऐसे। यहाँ पे आपको लिंक ठीक दिख रहा है, बट हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो, ठीक है, पोर्ट में प्रॉब्लम हो, अदर एंड पे प्रॉब्लम हो, वो राउटर बंद हो। तो एक साइड से देख के लिंक को आपको नहीं समझ जाना है कि वो ओके है लिंक, ठीक है, प्रॉब्लम में भी ऑन द अदर साइड, तो आपको ड्यूअल चेक करना है। चलिए जी, बेटर टू चेक द प्रॉब्लम में भी जस्ट देयर। नाउ व्हेन यू आर श्योर दैट ऑल द केबल्स आर कनेक्टेड प्रॉपरली और कोई फॉल्टी हार्डवेयर नहीं है, तो अभी प्रॉब्लम वन क्या थी आपकी, रेगुलर नेटवर्क कनेक्शन। और इसका हमने क्या देख लिया अभी, मेजर इशू क्या किसके साथ था आपका, हार्डवेयर फेलियर, या फिर आपका मतलब केबल भी हार्डवेयर ही है या डिवाइस या केबल, ठीक है, ये ओके है, केबल आपने प्रॉपरली कनेक्टेड कर दिया, ओके केबल है, तो ये समझ लो कि आपका इशू गॉन है। अब व्हाट कैन बी द सेकेंड यू नो काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद द नेटवर्क, अब अगर उसकी बात करेंगे वो है नो नेटवर्क एक्सेस, ठीक है। यहां अगर आप चेक करो ये, तो ये रेड नहीं है, इसका मतलब केबल तो लगी हुई है पर आइडेंटिफाई कर रहा है कोई नेटवर्क एक्सेस सबको दिख नहीं रहा है, इंटरनेट एक्सेस नहीं दिख रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये राउटर जो है इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या इसकी कॉन्फ़िगरेशंस जो है सेटिंग्स है, तो सॉफ्टवेयर बग हो सकता है उनमें, कोई कोई भी इशू इस तरह का, तो रीस्टार्ट या रीसेट विल डू द ट्रिक, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर वो उतना सीवियर प्रॉब्लम नहीं है तो। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इफ योर डिवाइस इज कनेक्टेड विद द राउटर, तो अगर आपका पीसी राउटर से जुड़ा है कि नहीं वो चेक करना है। कैसे चेक करते हैं, जैसे अगर आप यही देखेंगे एक सिनेरियो, तो ये कौन होता है आपके लिए डिफॉल्ट गेटवे आपका राउटर, तो लेट्स से ये राउटर की आईपी है, राउटर काम करता है एज ए डीएचसीपी सर्वर, मतलब ये आईपी खुद प्रोवाइड करेगा आपके वायर्ड एंड वायरलेस डिवाइसेस को। तो फॉर एग्जाम्पल इस पे 192.168.0.0/24 का नेटवर्क चल रहा होगा, और मैंने राउटर को कौन सी दी हुई आईपी, हमने क्या लेट्स से ये तो मैन्युफैक्चरर से ही मिलती है, बट यस डीएचसीपी जो बनाया है मैंने वो .100 से लेके .250 तक की आईपी क्या करी हुई है अलाउ, ये 50 डिवाइसेज ही जुड़ेंगे, तो पहले को मिल गया .100, दूसरे को मिल गया .101, ठीक है। तो आपको क्या चेक करना है कि भाई आप अपने राउटर से जुड़े हो या नहीं, तो चाहे आप वायरलेस पे हो चाहे आप वायर्ड पे हो, तो आप अपने कंप्यूटर में जाओगे, कमांड यूज करोगे सीएमडी के अंदर पिंग, और पिंग किसको करोगे, अपने गेटवे को, तो 192.168.0.1, ठीक है। अपनी डिटेल चेक करनी हो तो मैंने आपको बताया था आईपी कॉन्फिग कमांड आपको यूज करनी है विंडोज पीसी के अंदर, और if config यूज करनी है लिनक्स के अंदर, इससे आपको अपनी डिटेल मिल जाएगी, आईपी सबनेट मास्क गेटवे डीएनएस और मैक वो सब डिटेल चाहिए, तो आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश ऑल लिख दो वो आ जाएगी। बट यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे आपने आईपी कॉन्फिग किया होगा वहां पे आपको गेटवे दिखेगा, उस गेटवे को आपको क्या करना है, पिंग, तो अगर तो आता है रिप्लाई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जुड़े हुए हैं अपने राउटर से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिप्लाई नहीं आता है तो फिर दूसरी प्रॉब्लम है, ठीक है, क्यों नहीं आता है, अब वो उसका क्या रीजन हो सकता है, मे बी आपने यहाँ पे स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर कर रखी है जो दूसरे नेटवर्क की है, मान लो आपने गलती से यहाँ पे 10.100 आईपी दे दी, समझ रहे हैं, तो वो कैसे पिंग करेगा। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो आपको चेक करनी है, और यहीं से दिख जाएगी आईपी कॉन्फ़िग की आउटपुट से ही वो प्रॉब्लम दिख जाएगी कि दे आर इन द सेम नेटवर्क और इन द डिफरेंट नेटवर्क, तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसमें भी लिखा भी आएगा डीएचसीपी सर्वर सर्विस ऑन है कि नहीं है, राइट। अब ओके चलो आगे बढ़ते हैं, स्लाइड बाय स्लाइड देख लेते हैं। तो पिंग से और आईपी कॉन्फ़िग से ट्रेस आरटी ज्यादातर हम होम ऑफिस के लिए नहीं प्रेफर करते, बिकॉज इतने यूजर और इतना स्केल नहीं होता, बट यस हम देख लेंगे कि ट्रेस आरटी भी क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सीएमडी में जाओ, आईपी कॉन्फ़िगर चेक, अपनी आईपी की कॉन्फ़िगरेशन चेक करो किससे, आईपी कॉन्फ़िग से, ठीक है, वहां से आप अपना गेटवे चेक कर सकते हो। और जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा आईपी खुद का है, ये मेरा गेटवे है, और ये डीएनएस सर्वर और ये सब कुछ है ना, ये आपका मैक एड्रेस है, तो आप किसको पिंग करोगे, इस वाले डीएन सॉरी अपने डिफॉल्ट गेटवे को, ठीक है। चलो, तो या तो रिप्लाई आएगा या तो रिप्लाई नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ये लग रहा है ना कि थ्योरेटिकल हो रहा है, तो कुछ नहीं है, पैकेट ट्रेसर अगर आपको यूज करना आता होगा, आई एम अज्यूमिंग, नहीं तो पैकेट ट्रेसर की अपनी प्लेलिस्ट पड़ी है, वो एक बार देखिए, इंस्टॉल करना सीखिए, उस पर काम करना, उससे प्रैक्टिकल करना बहुत आसान हो जाता है नेटवर्किंग के, है ना, इफ यू आर नॉट न्यू टू दिस यू नो फील्ड, नए है तो डेफिनेटली आई विल रेकमेंड कि आप पैकेट ट्रेसर पर जरूर पहले काम करना सीखिए। चलिए, ये राउटर है, मान लो आईएसपी से कनेक्शन दे रखा है,
मैं जस्ट सिमुलेट कर रहा हूं कि आप घर पे इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो ये वो इंटरनेट है सिंपल। अब पीसी है आपके पास, लेट से ये पीसी हो गया, कोई आपके पास वाईफाई डिवाइस हो सकता है स्मार्टफोन, या लेट से पीसी पे आप वाईफाई से चला रहे हो, तो इसमें पैकेट ट्रेसर में क्या करना पड़ता है, नॉर्मली तो आपका आता है उसके अंदर वाईफाई कार्ड डिवाइसेस के अंदर, बट इसमें क्या करना पड़ता है आपको, ये वायर्ड निकाल के बंद किया, वायर्ड निकाला और ऊपर से WMP जो है ये लगाना पड़ता है ये वायरलेस के, और फिर दोबारा से इसको ऑन करो। तो थोड़ी देर बाद देखोगे यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर लो, ये कनेक्ट हो गया, इसको वायर से जोड़ लो। तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट हो गया जैसे हम घर पे इंटरनेट चलाते हैं अपने वाईफाई राउटर से, ये वैसा ही। अगर आप फिजिकल में जाओगे, इस पर क्लिक करते रहोगे कॉर्पोरेट, और ये देखो वही है ना, इस पर क्लिक कर दो, तो ये आपका क्या है इधर, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करूँ तो मैंने क्या लगा रखा अपने एक्सेस पॉइंट पे, क्या बोलते हैं, एक केबल से डिवाइस पीसी और बाकी सारे क्या है वायरलेस है। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ से, यही खूबी है पैकेट ट्रेसर की कि आप रियल टाइम में चीजें करके देख सकते हो। अच्छा एनीवे, यहाँ पे जाएंगे तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे को अभी तक आईपी नहीं मिली क्योंकि स्टैटिक पे क्लिक किया, मैं DHCP पे कर दूंगा तो आईपी आ जाएगी, आ गई 102, इसके पास भी आई होगी 101 या 100, और इसके पास भी आई होगी। ठीक है, अगर सब कुछ ओके होगा तो यहाँ पे आप जाओगे, अगर मैं इधर कोई सर्वर रेप्लिकेट करूँ, बनाऊँ, इसमें दिखाऊँ आपको, तो वो सर्वर यहाँ से एक्सेसिबल होगा, मतलब कि आपको गूगल फेसबुक वगैरह सब चल रहा होगा। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि वो नहीं चल रहा है, तो उस केस में आपने बस यहाँ पे जाना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, आईपी कॉन्फिग लिखना है, अपना गेटवे चेक करना है, और इस गेटवे को करना है आपने पिंग, और देखना है कि गेटवे से पिंग आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब सिर्फ आप ये चेक करना चाह रहे हो आप अपने राउटर तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं, मतलब आप खुद से बाहर नहीं निकल रहे, इसका मतलब मे बी राउटर पे इंटरनेट आ रहा है पर आप तक नहीं आ रहा है, तो आप ये देखना चाह रहे हो कि भाई आप इंटरनेट नहीं चला पा रहे हैं, कोई भी चला नहीं पा रहा है, सिंपली आप ये चेक करना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप पहुंच गए हो अपने गेटवे तक, तो बहुत बढ़िया जी। ये देखो यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, चलिए अब कहता है कि मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे को ये सेकंड सिचुएशन है, नो रिप्लाई। ठीक है, तो रिप्लाई नहीं आ रहा है तो चेक करना कि राउटर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है, या फिर कनेक्टेड नहीं है आपके डिवाइस के साथ। तो मैं मान के चल रहा हूं कि केबल का कोई इश्यू नहीं है, तो राउटर का इश्यू है। तो सॉल्यूशन इसका एक तो है राउटर को रीसेट करना, रीस्टार्ट करके देख लो पहले मे बी, है ना, ये डायरेक्ट इस सॉल्यूशन पे बताओ, रीस्टार्ट करके देख लो आप अपने नेटवर्क को और राउटर को, क्योंकि घर वाला राउटर कोई इसमें डाउन टाइम और उसका तो लफड़ा है नहीं। टर्न इट ऑफ, अनप्लग इट, देन टर्न इट ऑन अगेन। ये क्या होता है ना, एक बटन होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ना, लेट्स से चलते हैं, तो होम वाईफाई राउटर रीसेट बटन, अगर आप लोग के घर पे है ये वाईफाई राउटर तब तो आपको पता, आप देख भी सकते हो उस पर लिखा रहता है क्लियर, बट अगर नहीं है तो उन लोगों के लिए दिखा देता हूँ मैं। इस तरह का एक बटन होता है, ये देख लो इसमें रीसेट का दिखा रहा है, और इसमें देख लो ये थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ठीक है, और इस बंदे ने शायद अभी पिन लगा के कर रहा था ना ये रीसेट, ये देखो ऐसे होता है। तो इसमें बस कोई भी पिन लगाओ, थोड़ी देर 5-10 सेकंड के लिए लगा के रखो, ऐसे दबा के छोड़ दो, और इसको फिर आप क्या है यूज करना शुरू करो। ठीक है, पावर ऑन कर लो दोबारा से, तो ये उसकी बात होगी, तो रीसेट हो जाता है बस उससे। ठीक है, आपकी बिल्कुल डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग बोलते हैं ना वो आ जाती है। ठीक है, चेक द पिंग अगेन इन द कमांड लाइन, तो अब वेरीफाई करो दोबारा से कि पिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कहता है कि लेट्स से वी आर गेटिंग द रिप्लाई, तो अब की बार अपने को रिप्लाई में कैसा आ रहा है, ये ऊपर वाली जो इमेज है ठीक है, रिप्लाई फ्रॉम दिस रिक्वेस्ट टाइम आउट वगैरह नहीं आ रहा है। ठीक है, पर कहता कि स्टिल इफ वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, अब भी अगर नहीं आ रहा हो इंटरनेट आपका, ठीक है कि भाई आपका राउटर जो है ओके है, रिसेट कर दिया है, सही है, आपका रिप्लाई आ रहा है बट फिर पिंग नहीं आ रहा है आपका, समझ रहे हो बात को, वो सोल्यूशन तो दे दिया आपने। अब क्या कर सकते हो भाई, आप क्या चेक करो, अपने CMD में जाओ और कोई साइट चेक करो चल रही है कि नहीं, DNS चेक करो। ठीक है, DNS आप कहाँ से चेक कर सकते हो, IP config space slash all करके, उसमें DNS की डिटेल भी आ जाती है। तो अगर यहाँ से आपको रिप्लाई आ रहा है, देखो ध्यान से सुनो, एक तो था कि हम GUI में ब्राउजर में, जैसे मैं अभी ये क्या दिखा रहा था आपको, ये ब्राउजर से दिखा रहा था, ये GUI है, एक सिंपली मैं किस में जाके अपनी CMD में जाके यहाँ से भी अगर पिंग करता हूँ गूगल को, या पिंग करता हूँ मैं DNS को, जैसे बात करूँ
पिंग, डीएनएस क्या है मेरा, 8.8.8.8 है। तो ये देखो रिप्लाई यार, अगर डीएनएस पिंग कर रहा है ना, समझ जाओ कि आपका इंटरनेट चल रहा है। तो फिर ब्राउजर में अगर नहीं चल रहा तो आपके ब्राउजर का इशू है, ठीक है। तो नॉट इन द कनेक्शन ऑफ योर पीसी विद द राउटर, तो वो ब्राउजर रीइंस्टॉल वगैरह, ब्राउजर की हम बातें अगले ऑप्शन में भी करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको काइंड ऑफ छोड़ दिया उस डिस्कशन को। बट यस, राउटर का इशू, रिस्टार्ट रिसेट, दो ही मेन चीजें हैं, ठीक है। मेरी बस आदत है चीजों को बहुत ज्यादा, यू नो, हो जाता है मेरे से एक्सप्लेनेशन, बट बातें ज्यादा नहीं है, ठीक है। एक केबल का इशू आया था, एक राउटर की सेटिंग का, और रीसेट या रीस्टार्ट का, या फिर आपका कनेक्शन, ठीक है, यही बातें हैं। तो ब्राउजर को, अच्छा मैंने छोड़ा नहीं हुआ है, लिखा हुआ है, चलो बहुत बढ़िया है जी, ठीक है। कहता कि अगर, देखो ये कब था, जब सीएमडी में रिप्लाई आ रहा था, ब्राउजर में नहीं आ रहा था। लेकिन अब क्या कह रहा है, अगर आपका सीएमडी में ही रिप्लाई नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है। तो कॉन्फिग्रेशन जो है आपकी राउटर की, उसमें गड़बड़ है, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ चीजें चेंज करनी हो सकती है। मान लो कि आईएसपी के एंड की हो, कि आपको बुलाना पड़े उनको कि यार हो सकता है कि जो मेरी आईपी थी ना वो स्टैटिक है और वो रॉन्ग आईपी है, या कुछ भी एक ऐसा इशू हो सकता है, और वो आईएसपी की साइड का भी हो सकता है। तो आपको ये नहीं सोचना कि भाई मेरा राउटर ही खराब है, या फिर मैं अब पैसे लगेंगे, या इंटरनेट चलेगा ही नहीं। जस्ट कॉल देम एंड दे विल ट्रबल शूट इट, ठीक है। या फिर आपको बताएंगे, गाइड करेंगे वो कि ये कर लो ये कर लो आप, है ना। इट इज पॉसिबल दैट द प्रॉब्लम इज नॉट विद योर राउटर बट विद द आईएसपी। हाँ यही हमने जो बताई है बात, ठीक है। और सोल्यूशन, अब यार इतना बड़ा नेटवर्क नहीं होता, ये बस ये पता क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आप इसमें जाओगे, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था ये लास्ट वीडियो में आई गेस, किसी में सीएमडी में जाओ, फिर ट्रेस आरटी करो, और फिर देखो कि भाई आपने ट्रेस आरटी किसको, गूगल को कर लो, डीएनएस को कर लो, कि आपके डीएनएस की जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ तक जा रही है, ठीक है। बट अभी तो आप डायरेक्टली राउटर से ही जुड़े हो, है ना, आपने कोई बीच में फायरवॉल, कोई मोडम, कुछ ऐसा नहीं लगा रखा है, तो वो हम किस में बात करेंगे आपका, अगर थोड़ा बड़े स्केल का है तो आपकी स्मॉल ऑफिस, अगली वीडियो में, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इतना बड़ा नेटवर्क की हम बात कर ही नहीं रहे, ओके राइट। यही मैं बात कर रहा था, ये ओके रिपोर्ट है तब जब इंटरनेट चल रहा है, ये तब की आउटपुट है, ट्रेस आर डी, इतना हुआ हमारा नो नेटवर्क एक्सेस। पहला हमने डिस्कस किया था कनेक्शन फेलियर टोटली, दूसरा आपकी केबलिंग इशू नहीं है, आपका क्या बोलते हैं, अडप्टर का इशू नहीं है, और आपको इंटरनेट नहीं चला पा रहे हो आप। तो फिर आपने, यू नो, उसके लिए रीसेट रीस्टार्ट कनेक्शन देखा राउटर के साथ, राउटर के साथ कनेक्शन ठीक था, तो फिर आपने चेक किया भाई सीएमडी में चल रहा है, ब्राउजर में नहीं चल रहा, ब्राउजर की दिक्कत ना हो, फिर आपने ब्राउजर को रीइंस्टॉल वगैरह करके देखा, या फिर आपका ना ब्राउजर में चल रहा ना सीएमडी में, तो फिर आपका मे बी आईएसपी की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, कॉन्फिग्रेशन की प्रॉब्लम होगी राउटर के अंदर। आती है स्लो कनेक्शन प्रॉब्लम, और ये आई गेस कॉमन है, ये वाली प्रॉब्लम है ना, पहली दो कभी कभी आती है, जनरल नहीं होती, ऑफन नहीं है, बट दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम। इसके बारे में क्या कर सकते हैं, सबसे पहला आपको, और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कुछ वीडियोस है ना अभी, तो ये इंटरव्यू के लिए, जो लेयर वन के इंटरव्यूज है ना, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सिंपली पूछ लेगा कि स्लो इंटरनेट है तो क्या दिक्कत हो सकती है, कैसे ठीक करोगे, ठीक है। ब्राउजर की प्रॉब्लम है आपके उसमें नेटवर्क को लोड करने में या चलाने में, तो ब्राउजर को कैसे फास्ट करोगे, तो ये उनका आंसर भी है, ये वाला जो अभी स्टेप है हमारा, ठीक है। क्लियर द कैश कुकीज एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री डेटा ऑफ योर ब्राउजर। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाता हूँ, अभी मैं अभी चेक कर रहा था इसी में आपको वेरीफाई करवाने के लिए, और मैंने जानबूझ के उसको क्लियर नहीं किया, बट यस लेट मी शो यू समथिंग। अब अगर हम सेटिंग में जाते हैं, नॉट दिस सेटिंग एक्चुअली, ब्राउजर सेटिंग, सेटिंग्स, यहाँ पे मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ, कुकीज, ठीक है, कुकीज एंड क्लियर डेटा, दिख रहा है, कुकीज एंड साइड डेटा, क्लियर डेटा पे जाओगे तो ये देखो कुकीज एंड साइड डेटा कितना मेरा 148 MB, बट वेब कंटेंट कितना 1 GB, ठीक है। सोचो अगर किसी ने 1 साल से अपना ब्राउजर क्लियर नहीं किया तो ये कितना डेटा हो गया होगा यहाँ पे। तो जस्ट मेक श्योर, जैसे इसमें आपको क्या दिख रहा है, जैसे मैं इसको क्लियर कर दूं, ठीक है, क्लियर नाउ, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, मोजिला है ये ब्राउजर, डिलीट कुकीज एंड साइट व्हेन फायरफॉक्स इज क्लोज, तो दिस इज अ गुड ऑप्शन, तो लेट्स ऑप्ट फॉर इट। तो दीज आर सम थिंग्स दैट यू कैन डू अबाउट द ब्राउजर्स, और ये सिर्फ एक की बात की हमने अभी, मोजिला की। और ऐसे जैसे मैं आपको दिखाऊं तो मैं 3-4 ब्राउजर यूज करता हूँ अलग अलग, यू नो, पर्पज के लिए। तो चेक दैट, इट रिफ्रेशेज योर ब्राउजर एंड इंक्रीज द इंटरनेट ब्राउजिंग परफॉर्मेंस, ठीक है।
वेबसाइट्स चेक करो कि भाई ऑनगोइंग डाउनलोड्स, ये ऑफिसेज में बहुत होता है। अगर आप चेक करोगे ना, लोग सुबह सुबह आते ही डाउनलोड लगा देते हैं, शाम को जाते हुए डाउनलोड करके, चलो यार मेट्रो से जाना है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है, मूवी डाउनलोड करते हैं, कोई सीरियल डाउनलोड करते हैं, तो देखेंगे बैठ के मेट्रो में। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बड़ा कॉमन सा एक एग्जाम्पल है। चलो फिर कभी शेयर करूंगा, ऑलरेडी वीडियो का फिल्म भी हो रही है। बट यस, कैसे चेक करें ये ऑनगोइंग डाउनलोड्स अपने उसमें? तो सिंपली आपको क्या करना है, सीएमडी में जाना है अपने, और सीएमडी एज एन एडमिन आपको रन करना है। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं ना, नॉर्मली सीएमडी में नेट स्टार्ट तो चल जाएगा, बट ये नहीं चलेगा। देखो एलिविएशन चाहिए आपको, एडमिन राइट्स चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली यहाँ पे सीएमडी में जाएंगे और यू नीड टू रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तब आप ये कमांड यहाँ पे चला पाएंगे। ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर कि यू आर यूजिंग सीएमडी एज एडमिन। तो फिर आपको ना ऐसी आउटपुट दिखेगी, ये देखो इस तरह की, और हो सकता है यहाँ पे ना टोरेंट दिखे आपको बहुत सारे लिखे हुए। इसका मतलब क्या कि आपके जो एम्प्लॉयज है, जो यूजर्स हैं, दे आर यूजिंग योर टोरेंट फाइल्स, मतलब वो कुछ डाउनलोड कर रहे हैं। तो और यह हो सकता है कि आपका ही बैकएंड में कुछ ऐसा डाउनलोड हो रहा है जो आपको नहीं पता है, तो यू कैन क्लोज दोज एप्लीकेशंस, दोज डाउनलोड्स एंड ऑल। ठीक है, एक ही हो सकता है। क्योंकि अगर सिंपली सोचो यार, 100 MB की आपने लाइन ले रखी है, 80-90 आपके डाउनलोड में, 50-60 डाउनलोड में है, और बाकी आपके काम हो रहे हैं बहुत सारे, तो काम तो हैम्पर होएंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। अब अनटिल अनलेस आपने क्वालिटी ऑफ सर्विस की सेटिंग्स यूज नहीं कर रखी, तो इसीलिए हम क्यूएस यूज भी करते हैं बाय द वे। ठीक है, तो हाँ, अगर अभी भी स्लो है तो मे बी टू मैनी डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू योर। अभी तो हमने क्या बोला था कि टू मैनी सर्विसेज आर रनिंग, अभी क्या है, सर्विसेज आपने बंद कर दी, बट स्टिल मे बी बहुत सारे डिवाइसेज जुड़े हैं आपके राउटर्स के साथ। तो सर्विसेज हर एक थोड़ी 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 यूज कर रहा है, लेकिन डिवाइसेज ही हंड्रेड्स हैं, तो सोचो कि वो कितना इम्पेक्ट करेगा यू नो एज अ होल आपके नेटवर्क को। तो उसको कैसे चेक करें? अब आपको पता है कोई भी डिवाइस या कोई भी यू नो हाँ डिवाइस जब आपके गेटवे की तरफ जाता है, तो उसकी एक आर्प की एंट्री होती है। ठीक है, मतलब सबका मैक एड्रेस आपका यू नो स्टोर होता है वहां पे। वो कैसे चेक करते हो आप, आर्प माइनस ए है आपके पास कमांड, तो जितने ज्यादा मैक यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, इसका मतलब क्या होगा कि भाई उतनी ज्यादा डिवाइसेस रन कर रहे हैं। तो क्या करना है अब आपको, अच्छा ये थोड़ा सा और घर वाले इंटरनेट की भी अगर मैं बात बताऊं, कई दफा कुछ लोग सिक्योरिटी अवेयर नहीं होते, पता ही नहीं होता है, ओपन छोड़ देते हैं या फिर 1 2 3 4 पासवर्ड लगा देते हैं, तो नेबर जो है आराम से चलो जी करो मर्जी से, फ्री का इंटरनेट मिल रहा है, वो सारी एंट्री यहाँ पे आएंगी आपको दिखेंगी। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करनी है अपने वाईफाई नेटवर्क की एक्सेस को। कैसे करना है, अगेन जो मैं बोल रहा हूँ कि वो प्ले उसमें डिस्क्रिप्शन में देख लेना वीडियो, उसके अंदर मैंने सारे स्टेप बताए हुए हैं कैसे अपने राउटर को, वाईफाई राउटर को एक्सेस करना है, कैसे सारी सेटिंग चेंज करनी, वैसे मैंने यहाँ पे भी लिख दिया हुआ है। ठीक है, चलिए जी, एलईडी की हमने बात कर ली। ओके, अगर एलईडी की इंटरनेट वाली केबल पे लाइट ही नहीं आ रही है आपकी, यहाँ पे लाइट ही नहीं आ रही है इसमें इंटरनेट वाले उस पे, तो इसका मतलब इट्स नॉट योर फॉल्ट, है ना, कॉल योर आईएसपी पीपल। स्टेबल है तो केबल का है, लेंथ की मैं जैसे बात कर रहा था, और केबल के रिगार्डिंग सब कुछ ओके है। अच्छा एक ये भी होती है प्रॉब्लम ना, मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि करके देख लो, कई दफा इससे भी ठीक हो जाती है चीजें, कि मान लो ये आपका वाईफाई वाला है, ठीक है, इस पे आप इंटरनेट चला रहे हो और चल नहीं रहा है, तो इसको क्या कर दो, डिसेबल। ठीक है, डिसेबल्ड हुआ, फिर क्या कर दो, इनेबल। तो जस्ट ट्राई, कि कई दफा चीजें उलझ जाती है सॉफ्टवेयर में ना, तो जैसे ये रिकनेक्ट करेगा, तो लेट्स ट्राई कि इससे आपका डिसेबल इनेबल करने से हो जाए। कई दफा क्या होता है, जैसे डीएचसीपी की चीजें हैं, भाई डीएचसीपी से आईपी मिली या डुप्लीकेसी होगी, या मतलब वट एवर रीजन आपको डीएचसी, अगर मैं उसकी डिटेल में ना जाऊं, तो सिंपली आप क्या कर लो, जैसे विंडो आर जाओगे, सीएमडी में जाओगे और आईपी कॉन्फ़िग पे जाओगे, कॉन्फ़िग है ना, तो आईपी कॉन्फ़िग पे तो खैर आपको आईपी मिल जाएगी, बट मैं चाहता हूँ कि रिफ्रेश करनी है मेरे को, या तो एनसीपीएल डॉट सीपीएल में जाके वहां से आपने डिसेबल इनेबल किया, या फिर क्या किया था, अगर मैं दोबारा से दिखाऊं, एनसीपीएल डॉट सीपीएल, लेट्स से जैसे यहाँ पे है, ठीक है, इसमें प्रॉपर्टीज पे जाओ और आईपीवी4 पे चल रहा है मेरा, इस पे जाओ, अब देखो ये ऑटोमेटिकली चल रहा है, तो आप ये कर दो,
और उसके बाद फिर एक बार इंटरनेट बंद होएगा, देखो याद रखना, फिर ऑटोमेटिक कर दो। ये तो है आपका जीओआई से आपने किया है लंबा रास्ता, या फिर आप इसको यहां से भी कर सकते हो, आईपी कॉन्फ़िग स्पेस/रिलीज, आईपी छोड़ दो ठीक है, और रिलीज के बाद कर दो रिन्यू ठीक है। तो अच्छा ये मेरा तो क्या है, खैर मैं उससे यूज कर नहीं रहा हूँ आपका इंटरनेट से, बट यस अगर आप वो मीडिया यूज कर रहे हो तो यू कैन डू दिस विद योर यू नो डिवाइस, बट ठीक है। कुछ और बचा इसमें, गेटवे डीएनएस वो वेरीफाई कर लो, कहाँ से करोगे आप, आईपी कॉन्फ़िग /ऑल करके, ये हम बात कर चुके हैं। स्टैटिक आईपी अगर यूज कर रहे हो तो देख लो कि जो आप आईपी इस डिवाइस पे दे रहे हो वो ऑलरेडी कहीं और तो नहीं है, बिकॉज दो आईपी सेम नेटवर्क में दे विल नॉट बी एबल टू यूज इंटरनेट ठीक है। पूल में जैसे मैं अगर इस पे दिखाऊँ ना आपको, और जीओआई पे जाओगे तो इसमें डीएचसीपी का पूल होता है, ये देखो क्या दिखा रहा है, .100 से, और मैक्सिमम अलाउड कितने हैं 50, तो .100 to .149 आई गेस इतना ही होगा ना। हाँ ये देखो ये रहा .100 to 149, अगर 51 नंबर ऑफ डिवाइस है तो वो नहीं चला पाएगी क्योंकि इस पूल में वो एंट्री ही नहीं होगी। तो आप क्या करो इसकी एंट्री को बढ़ाओ यहाँ से, कि भाई सर्वर के अंदर आप सोचो कि 100 to 200 अलाउ कर दो, तो 100 लोग 101 लोग जो है आपका इंटरनेट चला पाए। तो ये कुछ चीजें हैं सेटिंग्स और उसके रिलेटेड जो आप चेक कर सकते हैं। अगर सब कुछ कर लिया फिर भी नहीं हो रहा है, देन यू नो जस्ट गेट इन टच विद योर आईएसपी पीपल, है ना। और घर वाले केस में तो हमारे जान पहचान के ही होते हैं, फोन करो वो बता देंगे या करके चले जाएंगे, सिंपल है ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में कुछ सिंपल सी और कंफ्यूजिंग सी, यू नो एनीथिंग दैट वट एवर यू मे हैव फाउंड इंटरेस्टिंग वैल्यूएबल, तो आई होप दिस वीडियो हैज बीन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू इन एनी वे। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स एनी फीडबैक एनी सजेशन, इट्स मोर देन वेलकम ऑलवेज। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, और अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।